दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आपको हम मोबाइल से डाटा अपने कंप्यूटर में आप लोग कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट डाटा केबल के माध्यम से, विदाउट ब्लूटूथ के माध्यम से। आज हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस डाटा ट्रांसफर कैसे करते हैं अपने मोबाइल टू लैपटॉप में, अपने कोई भी डिवाइस से अपने लैपटॉप में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एंड्रॉइड फोन है और आप पीछे देख पा रहे हैं मेरा लैपटॉप यहाँ पे चालू है। ठीक है, आपको बस चंद स्टेपों को फॉलो करना है जो आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बड़ी आसानी से अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में वायरलेस तरीके से डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन साइड में देखिए दिखाना चाहूंगा, आप देख पा रहे होंगे आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे आना है और यहां पे आपको सर्च करना है वाईफाई, है ना, वाईफाई एफटीपी सर्वर। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं इसकी आपको दिखाई दे रही है, या आप सर्च करेंगे आपको सामने ऊपर पहले नंबर पे एक ऑप्शन आएगा पीले कलर का, एक एप्लीकेशन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब इसको इंस्टॉल करेंगे चंद सेकंड वेट कीजिएगा, आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना टाइम लगाएगा इंस्टॉल होने में और डाउनलोड होने में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा नेट की स्पीड स्लो है, तो आप देख पा रहे हैं 3% हुआ है, चंद सेकंड यहाँ पर वेट करेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीटली डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो आपको इसको ओपन कर लेना होता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं मैं सोमी की सिक्योरिटीज को स्कैन कर रही है एप्लीकेशन, कोई इसमें वायरस तो नहीं है, हर मोबाइल में सिस्टम होता है। जैसे ही कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने का ध्यान दीजिए सिंपल आपके सामने एक ही ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें लिखा जाएगा स्टार्ट, आपको सिंपल स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपल इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने का सिंपल को बैक पे क्लिक करना है, तो बैक पे क्लिक करेंगे फिर सिंपल आप देख पाएंगे स्टॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक बार स्टॉप करेंगे फिर आपको इस पर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब ध्यान दीजिए करना क्या, सेकंड स्टेप में मोबाइल की स्क्रीन से बंद कर देता हूं मैं। आप देख पा रहे हैं क्योंकि आपका जो मोबाइल जो आपने स्टार्ट कर दिया है, सही आपको जो लैपटॉप है, लैपटॉप में आप देखिए आपको सिंपल जिस भी डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करना है, जैसे आप माई कंप्यूटर खोलेंगे जिस पीसी को, जिस पीसी खुल जाएगा यहाँ पर आप देख पाएंगे दो डिवाइस दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रही है सी और दिखाई दे रही है डी। यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करने पर सिंपल ध्यान दीजिए यहाँ पे एड ए नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उससे मैं बताना चाहूंगा कि जो आप मोबाइल में देख पा रहे हैं साइड में देखिए, जब उसको स्टार्ट करते हैं आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं मोबाइल के एप्लीकेशन को, नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को मिलता है सर्वर यूआरएल, जो कि आप देख पा रहे हैं ftp://192.168.20.149/2001 जो आपको एक नंबर देखने को मिल रहा है, एक एड्रेस देखने को मिल रहा है। सिंपल जब यहाँ पर क्लिक करते हैं अपने कंप्यूटर में, दिखाना चाहूंगा फिर से देखिए गौर से, चेक कीजिए अच्छे से, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एक ए नेटवर्क, थोड़ा सा कैमरा में फोकस करना ही सही दिखाई दे, है ना, जूम मत करना सब दिखाना, ठीक है, तो एड नेटवर्क दिखाई देगा लोकेशन पे, इस पर क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाई देगा एड नेटवर्क लोकेशन, ठीक है, सिंपल कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है वेलकम डेटा नेटवर्क लोकेशन, आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ आप देख पाएंगे ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल कुछ भी नहीं करना, क्लिक कर देना आपको, यहाँ पे क्लिक करना सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा आ चुका है इंटरनेट और नेटवर्क एड्रेस। अब जो आपके मोबाइल में जो आपने देखा था एड्रेस, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो मेरे एप्लीकेशन एड्रेस था, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये एड्रेस आपको यही एड्रेस से हम दूसरे उसमें डालना है। चलिए यहाँ पर डालने की कोशिश करूंगा आपको दिखाने की चीज है, चलिए यहाँ डाल देता हूँ अपना एड्रेस FTP में डाल दिया है, उसके बाद डबल डॉट फिर आपको डबल स्लैश लगाना है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, उसके बाद फिर आपको जो नंबर लिखा है, जो कोड लिखा है, एड्रेस कोड लिखा है वो लिखना है आपको, यहाँ पे आपका IP 192 लिखा हुआ है 192.168.20.139.00 है यहाँ पे, उसके बाद अपना है 2221। आप देख पा रहे हैं कि जो एड्रेस कोड यहाँ मैंने डाला हुआ है, कोई स्कीम दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल में, देखिए ये मैंने डाल दिया है। सिंपल कुछ भी नहीं करना आपको, ये जो नेक्स्ट वाला बटन दिखाई दे रहा है आपको सिंपल नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करेंगे अपन, क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यूजर नेम पूछ रहा है कि क्या नाम डालना है आपको, तो यहाँ कुछ भी नाम डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम डाल दिया, तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मैंने किया, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, तो आप देख पाएंगे पूरा जो मोबाइल की डिवाइस है, पूरा का पूरा जो मोबाइल के फोल्डर है कार्ड यहाँ पे खुल चुके हैं और आपके कंप्यूटर में माई कंप्यूटर में एक अलग से डिवाइस बन गई होगी। दिखाना चाहूंगा, देखिए अपन डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं पहले यहाँ पे सी और डी थी, अब जो कि मैंने मोबाइल का यहाँ पे लोकेशन एड कर दी है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये आ चुकी है। अब मैं इसमें अगर क्लिक करता हूँ, जिसमें मैंने क्लिक करा, इसमें क्लिक करता हूँ मोबाइल जितने भी फाइल है डॉक्यूमेंट है दिखाना चाहूंगा, मोबाइल में दिखाना चाहूंगा,
तो आपको दिखाना चाहूंगा मोबाइल में, आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल है यहाँ पे, गैलरी में आता हूँ मोबाइल की, ये फाइल मैनेजर है और फाइल में आने के बाद दिखाना चाहूंगा आपके लिए, देखते रहिए आप थोड़ा सा। यहाँ पे अपन आते हैं कार्ड में, तो आप कार्ड में देख पा रहे हैं ये पूरे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको पूरे के पूरे, जो आप कार्ड में आने के बाद देख पाएंगे पूरे पूरे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एल्बम एंड्रॉइड वगैरह सब देखिए ये पूरे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, तो वही के वही सारे सारे फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि भाई अपन ने इसमें कोई भी डाटा केबल नहीं लगाई हुई है और ना ही अपन ने इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्ट करा हुआ है, सीधा वाईफाई के माध्यम से अपन इसका पूरा का पूरा जो कार्ड है पूरी मेमोरी है अपन ने अपने कंप्यूटर में ले लिया। मान लीजिए कि मोबाइल से आपको कोई फाइल या वीडियो कोई डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में सेव करना है तो करने के, मान लीजिए भाई आपको कोई इमेज फाइल को अपने लैपटॉप में सेव करना है तो आप देख पाएंगे डीसीएम फोल्डर लिखा हुआ है, आपको सिंपल डीसीएम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जो देख पाएंगे जो अपने कैमरा वाला फोल्डर इसको ओपन करेंगे, ओपन करने वाले जितने आपके मोबाइल में फोटो होंगे वो सारे फोटो लोड होना चालू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरे के पूरे फोटो आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अब जितने भी फोटो को डाउनलोड करना है उन फोटो में सेलेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए मैं करता हूँ थोड़ा सा, मैंने लिया मान लो कुछ फोटो कॉपी कर लिए, राइट क्लिक करा कॉपी करा और यहाँ मेरे को सेव करना है इस कंप्यूटर में और जिस भी डिवाइस में सेव करना है अपन डी में जाते हैं और यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देते हैं, क्लिक करके यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर में क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्लिक करूंगा, मैंने नाम डाल दिया इमेज फोटो इरादा ओके कर दिया। आप देख पाएंगे मैं कंट्रोल सी वी कर दूंगा तो जो मेरे मोबाइल की फोटो में काफी स्पीड से आप देख पा रहे हैं मेरे लैपटॉप में सेव होना चालू हो चुके हैं विदाउट किसी वायर के, विदाउट किसी यूएसबी के और विदाउट किसी ब्लूटूथ के। तो मुझे उम्मीद है एक बहुत ही यूनिक तरीका है वायरलेस डाटा ट्रांसफर का, इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश करी है। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं और वैसे तो मुझे नहीं लगता कुछ समझ में नहीं आई होगी, पूरा आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा और जो भी भाई और बहनों चल रहा है प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं ये फोटो खोल के देखते हैं कि खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। देखिए मैं ओपन करूंगा यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं फोटो खुल चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अपने मोबाइल से अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं वायरलेस तरीके से अपने लैपटॉप कंप्यूटर में और ये काफी सिंपल तरीका है विदाउट किसी झंझट का। जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विजिट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आप सब नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।